हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है और उसका एनिमेशन क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले एक सवाल से स्टार्ट करते हैं कि क्या हम खाना खाते हैं? ऑब्वियसली ये कैसा सवाल है, हम सभी लोग खाना खाते हैं ताकि हमको एनर्जी मिल सके। उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ में, जैसे कि आप स्कूल जाते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं या कोई और एक्टिविटी करते हैं, हर चीज़ में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। पर आपको सोचा है कभी कि प्लांट्स क्या करते हैं? हम काफ़ी सारी चीज़ें प्लांट्स की यूज़ करते हैं, जैसे कि हम वेजिटेबल्स लेते हैं उनसे, फ्रूट्स लेते हैं, और इवन हमको ऑक्सीजन भी प्लांट से ही मिलता है। तो प्लांट्स ये सारी चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये कैसे प्रोड्यूस करते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो आइए जानते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें कि कुछ ग्रीन प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो जानते हैं इसका रिएक्शन क्या होता है, ये कैसे बनता है। तो एटमॉस्फेयर में काफ़ी कार्बन डाइऑक्साइड है एंड सॉइल के अंदर पानी है। तो जब सॉइल के अंदर का पानी एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो एक रिएक्शन होता है जिस रिएक्शन से ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन वापस से एटमॉस्फेयर में चला जाता है जो कि हम लोग रेस्पिरेशन में यूज करते हैं, और शुगर और या फिर ग्लूकोज से ये फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स बनते हैं। क्लोरोफिल पेड़ की ग्रीन पत्तियों में पाया जाता है। तो हमेशा सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस अकर होता है, और फोटोसिंथेसिस अकर होने के लिए हमको कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की जरूरत पड़ती है, जिससे कि ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनता है। तो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या है? फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है 6CO2 + 6H2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में वो प्रोड्यूस करते हैं C6H12O6 + 6O2, मतलब ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमको ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड कम भी करता है, जिससे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेंटेन रहता है और ये साइकिल बना रहता है। तो आइए कोड करते हैं और इसका एनिमेशन क्रिएट करते हैं। तो हम सीख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है। जैसे कि हमको पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाकर शुगर एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो अब हम इसको कोड करेंगे। तो सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर क्रिएट करेंगे जिसमें कि सॉइल है, प्लांट है, उसकी लीव्स है, और दिन का टाइम है क्योंकि फोटोसिंथेसिस दिन में परफॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम ड्रैग करेंगे सॉइल के वेरिएबल को जिसकी वैल्यू हमने सेट की है मॉइस्ट, बिकॉज अगर सॉइल में पानी नहीं होगा तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म ही नहीं होगा, इसलिए सॉइल में पानी होना जरूरी है। तो उसकी वैल्यू हम मॉइस्ट सेट करेंगे। फिर हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे प्लांट के नाम से क्योंकि प्लांट के अंदर ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। और प्लांट के किस पार्ट में होती है? वो लीव्स में होती है क्योंकि उस पार्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। फिर लास्ट वेरिएबल हम सेट करेंगे टाइम का, और टाइम की वैल्यू सेट करेंगे डे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस दिन में होती है, रात में नहीं। इसी तरह से हमने एक एटमॉस्फेयर सेट कर लिया। इस स्टेप में हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे जो कि फोटोसिंथेसिस के पार्ट हैं। रिएक्टेंट्स वो होते हैं जिनके रिएक्ट करने से कुछ प्रोड्यूस होता है, एंड प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो किसी रिएक्शन के आउटपुट होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्टेंट्स हैं जो कि प्रोडक्ट बनाते हैं ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन के फॉर्म में। आइए इनके वेरिएबल बनाते हैं हम CO2, H2O, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन के। फिर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम है असेंबल रिएक्टेंट। इस फंक्शन में हम रिएक्टेंट्स को असेंबल करेंगे। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा रिएक्टेंट, एंड उसकी वैल्यू सेट करेंगे 6CO2 + 6H2O से, और इस फंक्शन से फिर हम रिटर्न करेंगे उसकी वैल्यू। फिर हम एक और फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा जनरेट प्रोडक्ट्स, एंड इस फंक्शन में हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा प्रोडक्ट्स, एंड उसकी वैल्यू सेट करेंगे हम 1 C6H12O6 + 6O2।
मतलब ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, एंड इस वेरिएबल की हम वैल्यू रिटर्न करेंगे इस फंक्शन से। और हम इस फंक्शन को वर्क कराने के लिए हमको ये फंक्शन को कॉल करना ज़रूरी है, तो हम इन फंक्शन को कॉल करेंगे। हमने इसके पहले स्टेप में पढ़ा था कि फंक्शन असेंबल रिएक्टेंट एंड जनरेट प्रोडक्ट से क्या होता है। अब हम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए हमने इंट्रो वीडियो में देखा था कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बीच में परफॉर्म होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो अभी हम मान लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल हमेशा प्रेजेंट होगा, बट हमको पानी और सनलाइट के लिए चेक करना होगा। तो हम एक कंडीशन पुट करेंगे इफ एंड एल्स के फॉर्म में, जिसमें सबसे पहले चेक करेंगे इफ सॉइल इज ड्राई। अगर वो ड्राई है तो ये मैसेज दिखाएंगे कि फोटोसिंथेसिस नीड वाटर बट सॉइल इज ड्राई। बट अगर सॉइल मॉइस्ट है तो हम नेक्स्ट कंडीशन पे मूव कर जाएंगे, और नेक्स्ट कंडीशन में हम टाइम चेक करेंगे जिसमें हम सनलाइट के लिए चेक कर रहे हैं। तो हम चेक करेंगे इफ टाइम इज नाइट तो मैसेज दिखाएंगे कि फोटोसिंथेसिस नीड्स लाइट बट टाइम इज नाइट, तो हम उस टाइम के लिए चेक कर लेंगे। पर अगर टाइम डे है और सनलाइट का प्रेजेंस है तो हम नेक्स्ट स्टेप में मूव कर जाएंगे और नेक्स्ट कंडीशन को हम परफॉर्म करेंगे, अगर हमारी पहली दो कंडीशन सही रहती हैं। तो हम नेक्स्ट कंडीशन में सबसे पहले असेंबल रिएक्टेंट करेंगे जिससे कि हमारा रिएक्शन परफॉर्म होगा, फिर हम जनरेट प्रोडक्ट करेंगे उससे। और ये याद रखना है हमको, हम हमेशा असेंबल रिएक्टेंट को जनरेट प्रोडक्ट के पहले पुट करेंगे, क्योंकि रिएक्शन रिएक्टेंट्स के बीच में परफॉर्म होता है। एंड उसके बाद हम एक मैसेज दिखाएंगे जिससे कि रिएक्टेंट इज कन्वर्टिंग टू प्रोडक्ट। तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रहा है। पर याद रखना है कि कभी भी फंक्शन अपने आप कॉल नहीं होता है, इसलिए हमको फंक्शन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस को कॉल करना है। इससे पहले वीडियो में हमने सीखा कि फोटोसिंथेसिस कैसे परफॉर्म करते हैं वेरिएबल एंड फंक्शन की हेल्प से। तो अब हम अपने ऐप को और इंटरैक्टिव बनाते हैं। तो इसको इंटरैक्टिव बनाने के लिए हम सॉइल या फिर टाइम को चेंज कर सकते हैं। तो सॉइल टाइप को चेंज करने के लिए अगर कोई इस पर क्लिक करेगा और वो ड्राई है तो मॉइस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और मॉइस्ट है तो ड्राई में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम उसी तरह से अगर कोई सन पे क्लिक करता है तो वो मून में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब नाइट टाइम हो जाएगा, और अगर नाइट पे क्लिक करता है तो डे हो जाएगा। तो इसके लिए हम दो फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम है चेंज टाइप एंड चेंज सॉइल टाइप। तो चेंज टाइम में पहले हम एक कंडीशन लगाएंगे इफ सन इज क्लिक्ड, उसका मतलब है अगर सन क्लिक होता है मतलब टाइम अगर डे है तो उसकी वैल्यू फिर नाइट कर दो, एंड इफ मून इज क्लिक्ड मतलब टाइम की वैल्यू अगर नाइट है देन सेट द वैल्यू ऑफ टाइम टू डे। और ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद हम परफॉर्म फोटोसिंथेसिस करेंगे जिससे फोटोसिंथेसिस होगा। तो इससे हम टाइम चेंज कर सकते हैं, अपनी ऐप में इंटरैक्टिव बना सकते हैं। इसी तरह से अगर हमको सॉइल का टाइप चेंज करना है तो हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है चेंज सॉइल टाइप, और इसमें कंडीशन पुट किया है जैसे कि इफ सॉइल इज ड्राई, अगर सॉइल ड्राई है तो उसकी वैल्यू मॉइस्ट में कन्वर्ट कर दो, एंड इफ सॉइल मॉइस्ट है तो उसकी वैल्यू ड्राई में कन्वर्ट कर दो। और जब सॉइल मॉइस्ट होता है तो हम परफॉर्म कर पाते हैं फोटोसिंथेसिस। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी उसके बाद हम फंक्शन को कॉल करेंगे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस को, जिससे कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो पाएगा, हमारा ऐप इंटरैक्टिव बन पाएगा। तो लेट्स पब्लिश दिस ऐप।